सैरन की छोरी पकड़ ले जाए पकड़ा और कोई पकड़ ली जब तू का करे पति कौन पकड़ लिया जब बता अरे कहना क्या चाहते हो आई लव यू बेटू आई लव यू बेटी तो हमन ने देहर गेट लगा लियो देख लो साहब कितनी बड़ी नान साफ कर रहे घर वाले और मैया कैसी है हैं छट्टा है बढ़िया काय की सब्जी बन रही है चाची काय की सब्जी बन रही है चाची नहीं चाची की बड़ी बहन है अब मोकू चाहिए सिलेंडर आज है मैया सिलेंडर चाहिए मोकू आज सिलेंडर ले जा यार देखो भाई यार दिख नहीं रहा अरे दिल बहुत बड़ा चाचा के मना नहीं करी एक बार में अरे बॉडी बिल्डर ने उठा ली खाली सिलेंडर चलो आज हम पूरे दिन सिलेंडर इकट्ठे करेंगे कि हम 10-11 सिलेंडर चाहिए तो धड़ाधड़ लग रही है सुबह से ये हमारे साथ बहुत ही अच्छा बंदा है एक बार उठा लेता सिलेंडर तो भैया लोन ने तहलका मचा दी पूरे 12-13 सिलेंडर इकट्ठे कर दिए आज जीतू ने आज शाबाज मिलेगी अल्लाह तू तो आज धरता है अब सिलेंडर तो दोस्तों अभी फिलहाल मैं अपने मामाओं के यहाँ आया हूँ तो दद्दू जी क्या हालत है अभी देखता हूँ और दद्दू कैसे हो राम राम माँ बहुत ज्यादा खराब तबीयत रही आप अरे आराम से बैठे जाओ कोई दिक्कत नहीं और बढ़िया सब घर में कैसे कट रही जिंदगी अरे परेशान बहुत ज्यादा पानी बढ़ लाऊंगा दोस्तों हमारे जो दद्दू मतलब नाना जी उनको दद्दू बोलते हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और हमेशा ऐसी रहती है कुछ ना कुछ थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है फिलहाल मैं अपने मामा के यहाँ आया हुआ हूँ रायपुर हमारे मामा जी का गांव है जो अपन के बैर बसावर साइड में पड़ता है एक बार इन दद्दू हाई करिए उनकी तरफ हाथ हलार हाई करो हाँ देख लो इतना तो ये भी समझते ये हमारे नाना जी कैसे हो आप बढ़िया कैसे कट रहे हैं आपके दिन मतलब अच्छे आपकी तबीयत और खराब है बताइए कुछ दिन पहले ना वो नहीं आपको प्रॉब्लम है क्या तेरे पांव में कहीं पे हाँ प्रॉब्लम है कि अच्छा चलो मैं अभी ठीक है ना हाँ मैं अच्छा हूँ तेरे में गाँव बोलता हाँ 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 पहले तो वो गिनती सुना करें गिनती हाँ बताइए एक बार जोर तो बोलो थोड़ा सा अरे कते नहीं पड़े आप फिर भी आप जानते हो तो दोस्तों हमारे दद्दू जी बिल्कुल नहीं पढ़े एक भी क्लास उन्होंने मतलब देखा ही नहीं कभी पढ़ाई होती कैसी है लेकिन फिर भी वो कह तो जानते हैं गिनती भी जानते थोड़ी बहुत अभी आपने सुनी ली है और उनसे कुछ उनकी अच्छी अच्छी बातें वो बचपन में बताते हैं तुमको पूछते हैं दद्दू तुम्हारे गाँव में पहले भूत आते बताए भूत वगैरह ज्यादा रह गए मैं सुनी बहुत है आपके यहाँ की भूत सग रहे हैं सग रहे हैं अच्छा तो यहाँ अभी नहीं मिले पहले मिले करे भूत पहले डर को भूत है डर को अच्छा अच्छा चलो बढ़िया दद्दू जी और ये चक्की वक्की लगा ली शायद है फिरते चक्की अच्छा अच्छा तो आप ये थोड़े घर में रह रहे हैं फिर हाँ कमरा में रहे मैं आप तो अभी यहाँ कैसे तकलीफ है भाई कोई दिक्कत नहीं है परेशानी है थोड़ा टाइल है उधर दद्दू जी बहुत ही प्यारे हैं दोस्तों कभी आप रायपुर आते हैं तो इनसे मिलना इनकी थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम है इनको कभी हो जाता है कितने साल पीछे मिल रहे हैं आज मुते आई लव यू दद्दू जी आप हिंडन चल रहे हैं आप
चलो तो आज दंदू को देखते हैं इंडोन चले तो चलेंगे इंडोन चलो जरूर पूरा मन है आपका हाँ खूब मन पहले तो आए थे आप एक बार हाँ तो आयो हाँ बढ़िया इंडोन में दद्दू छोरी बहुत डोले आगे कोई पकड़ ले जाएगी तू नहीं क्यों सही में शहरन की छोरी पकड़ ले जाए और कोई पकड़ ली जब तू क्या करे पति अब पकड़ लिया जब बता लट लट बजेगो कितने बेर नजीक नहीं आंदे गुंडा हुआ गुंडा गुंडा ना हुआ छोड़े अच्छा जी बड़े बूढ़े है हाँ सही बात है बड़े बूढ़े तुम्हारे दूसरा ब्याह कराया था अरे आ रहा हूँ हमारे गाँव में सही मिले सत्य दूसरा ब्याह कर ले मौत ही रहेगो यही तो खुश है यही नानी थी यहूद खुश नहीं है नाम सबंध दुखी है कौन से खुश है पूरे घर में या घर में पूरे में कौन से खुश है तू मेरी मम्मी थे कबूल थे बड़ी मम्मी थे अद्दू आई लव यू आई लव यू आई लव यू I love you. ये बोलो एक बार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा ऐसे बोल देखो आई लव यू बेटू आई लव यू बेटी तो काफी मजा आ रहा है इनसे बात करने में यार काफी साल बाद दो तीन साल बाद में बात कर रहा हूँ तो एक बात बताऊँ तो बता रहा हूँ पूरे घर में कोई नहीं बताई मैंने मुझे लड़की पसंद आएगी बड़े को ब्याह मेरे थोड़ी वो है हाँ मैं और जितेंद्र मोत बड्डो थे है ना आगे नहीं याद आइए कद्दू मुझे एक छोरी पसंद आएगी अब घर के ब्याह करा नहीं रही है बात मेरा तू करवा दे जब तो बता अरे मैं कछुओं की चले ना तेरी चमारन की छोरी पसंद आएगी भैया मुख चमारन की तू देख देख बढ़िया नहीं देख है हक्का पिंगला दद्दू हक्का पिंगे बहुत दिन आएगी मेरे भाई संजय तो ये अकेला इस दुकान को संभालता है बहुत ही मेहनती बंदा है बहुत ज़्यादा देखो घर जाने से पहले पूरी दुकान साफ सफाई करेगा भाई और ये इसने चमका दमा के एकदम रेडी कर दिया दुकान तो भाई दिन भर में कैसा रहता है आपका दुकान का ठीक ठाक अच्छा रहता है चलो बहुत बढ़िया और आपका कल देखते हैं थोड़ा ठीक से ब्लॉग है ना ओके ब्रो लुकिंग आपकी एक नंबर भाई लुकिंग एक नंबर ब्रो चलो अच्छा क्या लगाते बालों में या फिर नेचुरल है कसम से चलो बहुत अच्छा लुक लग रहा है आपका एकदम तो ये कपड़े धो रहे हो आप गर्म पानी में हाँ जी चलो बहुत बढ़िया है तो भाई वो रात के कितने बज रहे हैं आठ और बंदा भी तो देखो दुकान पे ही है पूरी साफ सफाई करके जाएगा कपड़े वगैरह जो भी हैं चलो बहुत बढ़िया ब्रो यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा